हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत तादाद के अंदर। हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि संसद भवन के अंदर ऐसा तांता लगा हुआ है, प्रशासन भी बौखला गया है कि हम इनको किस तरीके से बाबा साहब के दर्शन कराएं। इसी बीच में हमारे बीच में एक महिला है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब को मानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीमा राज सिंह है जी। मैं दिल्ली में विकासपुरी में रहती हूँ और मैं यहाँ पर बाबा साहब का बर्थडे मनाने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर हर साल आती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, तब से लगातार मैं यहाँ पर। सिमरा जी, जब आपने बताया कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, कि आपको बाबा साहब के बारे में पहले से पता था या हस्बैंड के साथ में आने पे आपको पता लगा? नहीं, मैंने सिर्फ किताब में पढ़ा था और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से हुई है, तब से मैंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से जाना पहचाना और बौद्ध धर्म के बारे में भी मैंने मतलब बहुत अच्छे से सीखा समझा उसको। तो जब आपकी बौद्ध धर्म से शादी हुई थी तो आपको लगता नहीं था कि भाई मेरी शादी हुई भी है या नहीं हुई है? लड़कियां कहती हैं मैंने तो अग्नि के वो फेरे ही नहीं लिए। हाँ, बोलती थी मेरी फ्रेंड्स वगैरह कि भी ये सब क्या है कि तेरी शादी तो हुई नहीं है, 7 फेरे तो हुए नहीं है, कैसे वो है। तो हमने कहा नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे कैंडल जल रही है तो वही हमारी अग्नि, उसी को मतलब उन्हें वो किया है। तो उसी महाराज जी, जैसे जो आपकी फ्रेंड बोलती थी कि आपके फेरे नहीं हुए, लेकिन उनसे आज मुझे लगता है आप बहुत खुश हैं और जिनके फेरे हुए थे और वो आज बहुत बड़ी दुखी हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, लगता है ना आपको? सही कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मतलब हर साल यहाँ पे आती हूँ, साल में 2 बार आती हूँ, 6 दिसंबर को भी आती हूँ और जितने भी बाबा साहब के हैं और जब बौद्ध के जितने भी मंदिर वगैरह सब मेरे मतलब घूमती हूँ साल में 2-3 बार जाती हूँ। बाबा साहब के दो ऐसे काम बताइए जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने पूर्ण रूप से लागू कराए थे। एक तो उन्होंने क्या नाम है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया था कि मतलब हर महिला पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उनको नौकरी का बराबर का दर्जा दिया। बहुत अच्छी बात है।